हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये कल वाला ही वीडियो है जिसे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल चॉकलेट केक का डेकोरेशन मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था। मुझे दो केक के ऑर्डर मिले थे और एक पाइनएप्पल केक का ऑर्डर था, जो आज मैं आप सबके साथ उसकी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और आज वाला पहले पूरा देख कर जाइएगा। कल वाला वीडियो ये रहा, ये वाला केक डेकोरेशन मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था। और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ पाइनएप्पल केक की एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको कल दिखाया था कि एक ये पाइनएप्पल केक ऑर्डर है जिसे मैंने 3 लेयर्स कर लिया है। अभी हम इसे डेकोरेट करेंगे। ये देखिए क्रीम कितनी बढ़िया बीट हुई है और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी क्रीम जल्दी मेल्ट होगी और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी केक बनाने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें भर के डाल देने हैं ढेर सारे आइस क्यूब्स और उसके ऊपर रखना है आपको क्रीम वाला बाउल, ताकि उसको ठंडक मिलती रहे और क्रीम जल्दी मेल्ट ना हो और आपका काम भी सही से होता रहे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और क्रीम का बाउल हमें केक डेकोरेशन में काफ़ी देर तक फ्रिज से बाहर रखना पड़ता है तो क्रीम मेल्ट ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रीज़र पे तो क्रीम्स के पैकेट रहते हैं, जगह बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो मैं अपने बड़ी मम्मी के फ्रीज़र पर जिस भी बाउल के ऊपर मुझे क्रीम का बाउल रखना है उसको मैं पानी भरकर फ्रीज़र पर रख देती हूँ तो वो सेट हो जाता है, और आइस क्यूब्स भी रख देती हूँ तो वो बहुत देर के लिए मेरा काम चल जाता है। और क्रीम को लेकर मुझे एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई जो मुझे आपको बतानी है। आप क्रीम कभी भी सिल्वर के बर्तन पर बीट नहीं करोगे, आप हमेशा क्रीम बीट करने के लिए स्टील या प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करो, क्योंकि सिल्वर के बर्तन पे जब आप क्रीम बीट करके रख दोगे तो कुछ देर बाद ही जब आप क्रीम का कलर देखोगे तो वो काला हो चुका होगा, मतलब क्रीम काली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी आपकी पूरी क्रीम। ये गलती मुझसे हुई थी और उसी गलती से ही मैंने इस चीज़ को सीखा कि मुझे सिल्वर बर्तन पर क्रीम बीट नहीं करनी है। मैं आपको ना किसी वीडियो पर ये करके भी दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा क्रीम आपको सिल्वर बर्तन पर बीट करके दिखाऊंगी और बाकी क्रीम स्टील के बर्तन पर, फिर आप सिल्वर बर्तन की क्रीम का कलर देखना वो थोड़ा देर बाद ही पूरा चेंज हो चुका होगा, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और जब क्रीम खराब हो जाती है ना तो फिर केक बनाने का मन खत्म हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है जब मैं केक बनाना सीख रही थी। पहले तो केक का स्पॉन्ज ही नहीं फूलता था, मैं घंटों घंटों वेट करते रहती थी, बीच से कच्चा रह जाता था और कभी कभी तो नीचे से जल जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे जब मैंने स्पॉन्ज बनाना सीख लिया तो क्रीम सही से नहीं बनती थी, स्पॉन्ज मेरा बना रखा रहता था और क्रीम मेरी मेल्ट हो जाती थी, सही से बीट नहीं होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। पर ठीक है, मैंने धीरे धीरे करते करते चीज़ें सीख ली हैं और आप सबको भी मैं ज़रूर सिखाऊंगी। आप सबसे भी आज वही गलती हो रही होगी, पर आप सब वीडियोस देखिए, धीरे धीरे आप सब भी सीख जाएंगे। आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जैसे इस बार देखिए आप, मैंने बिना पाइपिंग बैग से डायरेक्ट क्रीम लगाकर केक को आइसिंग की है, ये और भी ज़्यादा इजी तरीका है। पर यदि आप बिगनर हैं तो पहले आप पाइपिंग बैग से, जैसे मैंने आपको बताया है, आप उस तरह से क्रीम लगाइए, वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप आसानी से ना केक पर फिनिशिंग दे पाएंगे। और जिस दिन आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा ना उस दिन आपको बहुत खुशी होगी, मुझे भी होती थी। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये आपके साथ हो रहा है कि आपका केक बीच से फूल नहीं रहा है, कच्चा रह जाता है, क्रीम सही से बीट नहीं हो रही है, ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने केक के लिए बहुत सामान वेस्ट किया है, मतलब जब मैं केक बेक करती थी वो कच्चा रह जाता था, फिर मुझे पूरा फेंकना पड़ता था और मुझे बहुत डर लगता था कहीं मम्मी गुस्सा ना करे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्बाद कर रही हूँ। हालांकि मम्मी मुझे कभी नहीं डांटती है ना ही मुझ पर गुस्सा करती है, फिर भी खुद से अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, मैं 5 से 6 बार यही कर रही हूँ, चीज़ें फेंक रही हूँ, सही से बेक नहीं हो रहा है, पर मुझे लग रहा था कि मुझसे बन क्यों नहीं रहा है, आखिर मैं सारी प्रोसेस जब फॉलो कर रही हूँ, सबसे सही बन रहा है, तो आखिर मुझसे गड़बड़ हो कहाँ पे रही है। तो चीजें मैंने सोच लिया था कितनी चीजें मैं वेस्ट करूंगी, मैं करती जाऊंगी, पर जब तक मुझसे परफेक्ट केक नहीं बनेगा मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं रात में 12 बजे केक बनाती थी, जब मम्मी सो जाती थी तो मैं रात में घंटों घंटों वेट किया करती थी कि अब क्रीम मेल्ट हो रही है, केक सही से बेक हो जाएगा, इस बार परफेक्ट फूला भी होगा। पर जब मैं घंटों वेट करने के बाद देखती थी तो वो बीच से कच्चा रह जाता था, नीचे से जल जाता था और सच में मुझे बहुत बुरा लगता था। और जिस जिस के साथ भी ऐसा हो रहा है, केक नहीं बन रहा, क्रीम नहीं बन रही, सही से सामान वेस्ट हो रहा है और डर लग रहा है कहीं मम्मी से डांटना पड़े, तो मम्मी को बोलिएगा, सौम्या दीदी से भी केक बिगड़ता था
हमसे भी केक बिगड़ रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे सौम्य धीरे से बनने लगा हमसे भी बनने लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कई छोटे बड़े भाई बहन हैं जो मुझसे केक बनाना सीख रहे हैं। तो डोंट वरी, आप सब एक दिन ज़रूर परफेक्ट केक बनाओगे और आप सबके सारे डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। तो इतनी सारी पंचायत करने के बाद अभी मुझे फील हुआ कि मैंने केक के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और बस केक कंप्लीट होने ही वाला है। तो आपको सेम प्रोसेस रखनी है, केक पर बढ़िया से आइसिंग करनी है, लेयर्स करनी है, सोकिंग करनी है और उसके ऊपर आपको फिर फ्लावर्स बनाने हैं। आप कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने आज बहुत सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है, 1 M नोज़ल और 195 दो नोज़ल्स का यूज़ किया है और केक हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर साइड में कुछ ड्रिपर से गोल्डन ड्रिपिंग कर दी है। तो जब अर्जेंट ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं और टाइम बहुत कम होता है तो बस नोज़ल उठाओ, डिज़ाइन बनाओ और केक कंप्लीट कर दो। फटाफट से बढ़िया सा केक डेकोरेट हो जाएगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब 59 सेकेंड्स के शॉर्ट्स पर इतनी सारी पंचायत तो मैं आप सबसे कभी नहीं कर पाती जितनी मैंने फुल वीडियोस पर कर ली है। अगर मेरे पास ना दो फ़ोन होते तो मैं एक से शॉर्ट्स बनाती और एक से फुल वीडियो बनाती, ताकि जिसे डाउट क्लियर करना है, जो केक बनाना सीखना चाहता है, उसके लिए तो फुल वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती है। और जो सिर्फ केक डेकोरेशन देखना पसंद करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना देती। अभी मैं कुछ दिन 5 से 6 फुल वीडियोस और अपलोड करने वाली हूँ, उसके बाद हम वापस से शॉर्ट्स वीडियो पर आ जाएंगे और फिर लगातार हर दिन के जैसे ही ना शॉर्ट्स वीडियो आप सबके लिए आएंगे। आप सबके डाउट्स पर फिर मैं बीच बीच पर फुल वीडियोस बनाती जाऊंगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब कोई ऑर्डर आएगा तो उस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो ही बनाऊंगी, क्योंकि जिन्हें शॉर्ट्स देखने मेरे पसंद है उनके लिए काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और आप सब वेट कर रहे हो। तो मैं जल्दी से ना अब कोई एक दो शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करूंगी। कल सुबह मुझे 10 बजे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था, 100 लोगों के लिए केक चाहिए था, 3 किलो के ऊपर मैंने केक बनाया था। उसकी स्टोरी क्या है वो मैं जब वीडियो आएगा तब बताऊंगी। आज का केक हो गया है कंप्लीट, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सबके कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। अभी आप वो एंडिंग देखिए जो मैंने उस दिन रात में सोते सोते आप सबके लिए रिकॉर्ड की थी। तो केक हो गया कंप्लीट और आई होप आप सबको भी पसंद आएगा। और रात के 3 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है, पर अभी मैं थोड़ा सा काम और करूँगी। एक केक पीस मुझे और बनाना है, क्रिकेट थीम पर ऑर्डर है तो वो मुझे कल देना है, तो उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है। मिलती हूँ फिर जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।